सिंह एंड वोकेबलरी की वीडियो 2 में आपका स्वागत है और आज हम टॉप 10 वर्ड्स सीखेंगे गाइस व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट इन योर स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके सो गाइस पहला जो हमारा वर्ड है वो है टीनेंट। टीनेंट गाइस का मतलब होता है किराएदार। जो भी आदमी एक किराए के घर पर रहता है, एक रेंटेड हाउस पर रहता है, उसे गाइस कहते हैं किराएदार। ओके जैसे मैं कहूँ कि टीनेंट्स फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इफ देयर लैंडलॉर्ड इज स्ट्रिक्ट। इसका मतलब कि किराएदार काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं अगर उनका जो लैंडलॉर्ड है वो स्ट्रिक्ट हो। ओके गाइस सो ये गाइस नाउन भी है और एक वर्ब भी है गाइस। जैसे मैं कहूँ कि द हाउस वॉज टीनेंटेड बाय माई कज़न, यानी कि हाउस को मेरे कज़न ने किराए पर लिया था। ओके गाइस सो ये एक वर्ब है यहाँ पर। सेकेंड वर्ड है हमारा गाइस इन्फो। इन्फो का गाइस मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में हम जो अंदाजा लगाते हैं अपना उसे कहते हैं इन्फो। जैसे मैं कहूँ कि वी कैन इन्फो फ्रॉम हिज क्लॉथ दैट ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। उसके कपड़ों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो रिच फैमिली को बिलोंग करता है। सो गाइस ये एक वर्ब है और इन्फो का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में अंदाजा लगाना, प्रडिक्ट करना उसके बारे में। ओके गाइस गाइस मूव करते हैं थर्ड वर्ड पर जो है पैनिकी। पैनिकी का गाइस मतलब होता है घबराया हुआ। ओके जैसे मैं कहूँ कि ही शोड अ पैनिकी एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। उसने अपने फेस पर एक घबराया हुआ एक्सप्रेशन शो किया, यानी कि वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो घबराया हुआ है। ओके गाइस तो उसे हम कहेंगे पैनिकी और ये एक एडजेक्टिव गाइस। ओके फोर्थ वर्ड है हमारा गाइस इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। ओके गाइस जो भी हमारा इरादा होता है कोई ना कोई चीज करने का, ओके उसे कहते हैं इंटेंशन। जैसे मैं कहूँ कि आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू हर्ट यू, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं ये काम नहीं करना चाहता। ओके गाइस सो इंटेंशन मींस इरादा और ये एक नाउन है गाइस। फिफ्थ वर्ड हमारा है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब गाइस होता है वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उसे इम्पेरेटिव कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि इमीडिएट एक्शन इज इम्पेरेटिव। ओके यानी कि जल्द से एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। ओके जैसे कि मैं सेकंड एग्जांपल कहूँ कि एजुकेशन इज वेरी इंपेरेटिव। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में कहूँ कि एजुकेशन इज इम्पेरेटिव नाउडेज। ओके यानी कि एजुकेशन आज के समय में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके गाइस सिक्स्थ वर्ड है हमारा ऑब्टेन। ऑब्टेन गाइस गेट का सिनोनिम होता है। इसका मतलब होता है हासिल करना, ओके प्राप्त करना। ओके सो गाइस ऑब्टेन की एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि टू ऑब्टेन गुड मार्क्स यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यानी कि अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्टेन मीन्स गेट करना, हासिल करना। ओके गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर जो है टेम्प्ट। टेम्प्ट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है गाइस। ओके और इसका मतलब होता है लालच देना। जब भी हम किसी को लालच देते हैं गाइस, कोई भी काम करने के लिए कोई लालच देते हैं उसे कहते हैं टेम्प्ट। ओके गाइस जैसे एग्जांपल मैं कहूँ कि द शॉपकीपर टेम्प्ट हिम टू बाय शूज बाय ऑफरिंग ह्यूज डिस्काउंट, यानी कि शॉपकीपर ने उसे लालच दिया, उसे ह्यूज डिस्काउंट दे दिया, बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया ताकि वो शूज को बाय कर ले। ओके गाइस सो टेम्प्ट मींस टू ल्यूर समवन, किसी को लालच देना। ओके ल्यूर इसका सिनोनिम होता है किसी को लालच देना ताकि हम उससे वो काम करवा सके। ओके गाइस आप टास्क टू में इसे यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइस डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब होता है गाइस एक्सट्रीमली लविंग और लॉयल। जो इंसान बहुत ही ज़्यादा यानी कि लवेबल हो और जो लॉयल हो। ओके लॉयल का मतलब कि ईमानदार हो, फेथफुल हो। ओके उसे हम कहते हैं गाइस डिवोटेड। जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ रियली अ डिवोटेड पर्सन। ओके कि वो सच में ही एक ईमानदार और एक लवेबल पर्सन है। ओके गाइस सो नाइन्थ वर्ड है गाइस हमारा गैम्बल। गैम्बल का गाइस मतलब होता है जुआ खेलना। जब भी हम यानी कि बैटल लगाते हैं ना किसी चीज़ पर यानी कि मनी के लिए, तो गाइस उसे कहते हैं गैम्बल। जैसे मैं कहूँ कि वो क्रिकेट पर जुआ खेलता है, यानी कि जब भी मैच होता है क्रिकेट का तो वो बैट लगाता है। तो गाइस मैं कहूँगा ही गैम्बल्स ऑन क्रिकेट। ओके गाइस गैम्बल मतलब जुआ खेलना और ये एक वर्ब है गाइस, इसका नाउन होता है गैम्बलिंग। ओके जैसे मैं कहूँ कि गैम्बलिंग इज ए बैड हैबिट, जुआ खेलना एक बुरी बात है।
लास्ट वर्ड है हमारा जो वो है स्पॉइल स्पोर्ट, जो कि काफी एक अच्छा और मजेदार वर्ड है, जिसका मतलब होता है गाइस कबाब में हड्डी, यानी कि वो पर्सन जो दूसरे लोग का मजा खराब कर दे गाइस, उसे कहते हैं स्पॉइल स्पोर्ट। जैसे हमारे कई फ्रेंड्स होते गाइस स्पॉइल स्पोर्ट, ओके, यानी कि खुद वो नहीं करना और हमें भी वो नहीं करने देना, ओके। जैसे मैं कहूँ गाइस के, जैसे गाइस मैं कहूँ के ही डिडंट लेट मी टू डू वर्क, ही इज रियली ए स्पॉइल स्पोर्ट, उसने मुझे मेरा काम नहीं करने दिया, वो सच में ही एक कबाब में हड्डी है, ओके गाइस। सो ओके गाइस, ये हमारे 10 वर्ड थे एंड आई होप के इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो आपको नहीं पता होंगे, और गाइस आप कमेंट में जाके एग्जांपल्स बना सकते हैं, मैं वो चेक कर लूंगा और आपको बताऊंगा कि वो सही है एग्जांपल्स या नहीं गाइस, ओके। एग्जांपल बनाइए गाइस, कोई भी वर्ड उठा लीजिए। सो ओके गाइस, मिलते हैं मेरी वोकैबुलरी की 3rd वीडियो के लिए, और गाइस मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर।